एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इन दिस वीडियो। और कल हमारी एक मीटिंग थी पटियाला में, तो वहाँ पर टू एग्ज़ामिनर भी आए हुए थे। सो अनफॉर्चुनेटली वो रिटायरमेंट के ऊपर थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि एक्चुअल में क्या ट्रेंड चल रहा है आज ग्रेड के अंदर स्पीकिंग में, स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर मुझे इंस्टीट्यूट में 6-7 बैंड मिलते हैं, पर जब मैं वहाँ से निकल कर आता हूँ तो मुझे 5.5 बैंड देखने को मिलते हैं या फिर 5। ऐसा क्यों होता है? उससे पहले बात करते हैं हम अपने मटेरियल की। तो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एक पेड मटेरियल है, आपको बाय करना होगा। 22 हम क्यू कार्ड देते हैं, 25 रीडिंग देते हैं, 25-30 हम लिसनिंग देते हैं। रिजल्ट 100% आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एज वेल एज प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर चेक कर सकते हो, नियर अबाउट 2500+ प्रूफ है। उस वाहेगुरु से, उस भगवान से डर कर हम बोलते हैं। प्लस जो अभी प्रीवियस एग्जाम में मटेरियल में से देखने को मिला, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, एक एक प्रूफ आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते हो। जब हमने उन एग्जामिनर से बात की तो हमने उनसे पूछा, स्पीकिंग पार्ट वन इंट्रोडक्शन में होता है और बहुत बढ़िया चला जाता है, एंड पार्ट टू में स्टूडेंट थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है, बट ट्राई टू वेल दैट उसको भी वो कंप्लीट कर लेता है, बट स्कोर कम कहाँ होता है। वो कहते हैं कि स्कोर ज़्यादातर जो चांस होते हैं स्टूडेंट का स्कोर कम होता है, वो होता है फॉलो अप क्वेश्चन में। फॉलो अप क्वेश्चन में स्टूडेंट अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाते, दैट्स वाई उनका स्कोर है वो कम निकल जाता है। अगर वही स्कोर वो बेस्ट वे में दे, प्लस जैसे कि जो रूल है स्पीकिंग थर्ड पार्ट देने का, अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसका आंसर एक कॉपी पेस्ट दे रहे हो, देन वो आपसे वाई पूछता है या फिर उसका रीज़न पूछता है वाई ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमारे पास उसका आंसर नहीं होता। और वो कहते हैं कि अगर आप थर्ड पार्ट का आंसर दे रहे हो, आंसर के साथ अगर आप पहले से ही अपनी एग्जाम्पल ऐड कर दोगे, कोशिश करो 100% लाइव जो सच है, जो ट्रुथ है, उसकी एग्जाम्पल अगर ऐड कर दोगे तो थर्ड पार्ट में आप कभी भी लैक नहीं होगे और एग्जामिनर को स्कोर देना ही होगा। तो ट्राई टू वेल दैट एग्जामिनर के वाई कहने से पहले आप एक लाइव, एक ट्रुथ आंसर दो, उसके साथ एक एग्जाम्पल दो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल बोल दिया, सेकंड इज फॉर इंटेंस बोल दिया, अगर आप सिनोनियम प्लस वकैब ऐड कर दोगे तो 100% 6.5 एंड 7 बैंड स्कोर आपके आ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। पहली बार चैनल पे आए हो तो 100% सब्सक्राइब जरूर करो, आगे बहुत कुछ आने वाला है।